गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पास इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके देखिए क्लास 6 का अपना जो साइंस का चैप्टर चल रहा है, सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसकी 8 क्लास है, पार्ट 8। ठीक है, इसके अंदर अपन देखिए जो चैप्टर चल रहा था वो मैंने आपको पूरा समझाया था, चैप्टर कंसेप्ट वगैरह सब हो गए थे। क्वेश्चन से अपने स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, उसके अंदर पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मतलब जिसमें अपने को रिटन में करना होता है वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बोर्ड पे आपके मतलब की और ऐप जो वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले वो मैंने करवाया। जैसे देखिए आपके फर्स्ट है, इनके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का होता है कि आंसर आपको मैक्सिमम जो है वन लाइन में देना है, वन वर्ड में या वन लाइन के अंदर आंसर देना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मगर बेस्ट सोर्स होता है वो व्हीट और राइस होता है। तो सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस आर मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपके व्हीट यानी गेहूं और राइस यानी चावल जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, मेन सोर्सेज हो जाएंगे किसके, कार्बोहाइड्रेट के। तो फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड जो है आपके उसका क्वेश्चन है, व्हिच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। ठीक है, कोल्ड जो होता है टन के अगेंस्ट में अपने को इंसुलेशन जो है बचाता, कौन देता है, फैट देती है। ठीक है, फैट जो होती है वो हमें बचाती है किससे, ठंड से। ठीक है, बॉडी में जो फैट होती है, फैट का काम होता है गर्मी प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये एनर्जी देती है और गर्मी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगती है। ठीक है, तो आप देखिए जितने भी फैट वाले जो जानवर होते हैं, ज्यादा फैट वाले जैसे भैंस है, हाथी है या फिर ऐसे, ठीक है, तो ये जो जानवर होते हैं ज्यादा गर्मी लगती है, ज्यादा पानी इनको रिक्वायर होता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे जो है क्वेश्चन है आपका, नेम एनी थ्री फूड आइटम रिच इन प्रोटीन। ठीक है, ऐसे थ्री फूड आइटम जो रिच इन प्रोटीन है, इसमें वैसे सबसे मेन जो प्रोटीन का सोर्स होता है वो मीट होता है, मतलब इजीली अवेलेबिलिटी के अंदर में आने की वजह से अपन मिल्क एग्स और पल्सेस को लेंगे। ठीक है, यानी दूध हो गया, एग अंडे हो गए और पल्सेस यानी दालें हो गई, ये आपके क्या होती है, रिच इन प्रोटीन होती है थ्री मेन। नेक्स्ट है एनी थ्री फूड आइटम दैट प्रोवाइड नॉर्मल इन आवर डाइट। ठीक है, थ्री फूड आइटम बताने हैं जो आपके क्या होंगे, रफेज प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, खाने के अंदर रफेज देने वाले क्या है, वेजिटेबल्स, इनके अंदर रफेज फाइबर्स ऐसे होते हैं, फ्रूट्स के अंदर ऐसे होते हैं जैसे आम वगैरह के अंदर। ठीक है, और होल ग्रेन्स जो होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो साबुत अनाज जो होते हैं, तो ये तीन आदि की सब्जियां हैं। ठीक है, फ्रूट्स यानी फल है और जो साबुत अनाज है, ये आपको क्या देते हैं, रफेज यानी फाइबर यानी रेशे देते हैं आपकी डाइट यानी आहार के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है का मतलब होता है कमी। तो आपको दो ऐसी बीमारियां बतानी है जो कमी से होती है, तो किसकी कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से। ठीक है, तो कोई भी दो बीमारियां बता सकते हैं, इसमें मैंने जैसे किया है प्रोटीन डेफिशिएंसी में होने वाली बीमारियां क्वाश्योर, ठीक है, और मेलास्मस। ठीक है, ये क्वाश्योर और मेलास्मस है वो दो बीमारियां हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस है, मतलब प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट कॉजेस ओबेसिटी। ओबेसिटी किसकी वजह से होता है, एक्सेस इंटेक ऑफ फूड आइटम रिच इन फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, यानी फैट और प्रोटीन का जिस खाने में ज्यादा है और ऐसा करना आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं, मगर ये वन लाइन आंसर है। तो इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइजेस का लेवल क्या है, आपका वर्किंग क्या है, आपकी वर्किंग बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, जैसे खेत पे काम करने का है या कहीं पे वर्कआउट पे फैक्ट्री में काम करने लेबर का काम है, तो वहां पे फिर भी ये कंटिन्यू होती है। मगर अगर आपका जैसे सिटिंग का ज्यादा काम होता है, ठीक है, तो उस केस में एक्सेस अगर फैट और प्रोटीन आपकी बॉडी में जाती है तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगी आपके ई वाले, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसमें एफ में आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं दो से तीन लाइन में आ जाने चाहिए। ठीक है, इसमें पहला है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स आते हैं फूड सप्लीमेंट्स प्रेजेंट इन आवर डाइट। ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो पूरक होते हैं अपने खाने के और हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजों की पूर्ति करते हैं, न्यूट्रिशंस की पूर्ति करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व होते हैं ये लिवर के अंदर। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, रफेज हैं। ठीक है, प्रोटीन है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है क्यों, एज दे प्रोवाइड अस एनर्जी, या हमें एनर्जी देते हैं, यूजफुल इन आवर ग्रोथ। ठीक है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, और विटामिन जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें बीमारियों से भी बचाते हैं, तो ये सब इसकी क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस हो जाएगी। जो आपसे लिखते हैं सही क्वेश्चन है इसके अंदर, सेकंड है आपका, इज द एक्सेस इंटेक ऑफ फैट फैट्स हेल्दी और नॉट, व्हाई। एक्सेस इंटेक जो होता है फैट का वो हेल्दी नहीं होता है, फैट का इंटेक हेल्दी होता है क्योंकि आपको इंसुलेशन देता है कोल्ड के अगेंस्ट। ठीक है, बॉडी को एक्सचेंज देने में मदद करता है। ठीक है, और जो आपके डेली के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बचाता है, जॉब से एक्सीडेंट या कोई भी
प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी काफी रोल होता है, और डिपॉजिट फैट के फैट जो होती है वो डिपॉजिट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मगर जब आप एक्सेस इंजेक्ट कर ले लो फैट का, तो इससे आप क्या हो सकते हो, ओबेसिटी यानी आप मोटे हो सकते हो, बल्कि हो सकते हो। फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल, एक्सेस में क्या होता है, टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल। ज्यादा अगर फैट हो जाते हैं तो हार्मफुल होते हैं, व्यक्ति मोटा हो जाता है तो आर बॉडी एंड कॉजेस ओबेसिटी, ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है। एंड आपको पता है मोटापा जो होता है वो बीमारियों को आमंत्रित करता है, एंड ओबेसिटी इनवाइट्स वेरियस डिजीजेस, ठीक है। ओबेसिटी जो है बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है, बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मोटापा होने के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जो है इसके अंदर दिया हुआ है, डिस्क्राइब द टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड, ठीक है। तो प्रोटीन के डिटेक्ट करने प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का जो टेस्ट है वो आपको के अंदर पेज नंबर 17 पे दिया गया है, टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड, देख सकते हैं पेज नंबर 17 पे, वहां से आप इसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई आर प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट टू अस, प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीके से। मेन क्या करता है, इट बिल्ड्स न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, ये नए नए सेल्स कोशिकाएं और टिश्यूज उत्तक जो होते हैं वो बनाते हैं, एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। ऑल्सो प्रोटीन हेल्प्स इन मेकिंग हार्मोन्स एंड विटामिन सब विटामिन, ठीक है। तो हार्मोन्स और विटामिन बनाने में भी प्रोटीन का योगदान होता है। ऑल्सो यूज फॉर एनर्जी, और ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, कब, जब आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या उनसे एनर्जी आपको नहीं मिल पाती है, तो आप पे प्रोटीन जो है वो आपको एनर्जी देता है, तो इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड आल्सो, ठीक है। तो ये सारा है, ठीक है, मेन मेन प्रोटीन के इंपॉर्टेंस पे अगला है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव प्रोफेसिंग इन आवर डाइट, हमारी डाइट में रफनेस को इंप्रूव करना चाहिए जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, बल्क बनाता है फैट सिस्टम सीटा का, और उसको बॉल मूवमेंट में हेल्प करता है, थोड़ा लस्टसा बना देता है, उसको थोड़ा मोटा बना देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, तो बिकॉज रफेस तो इस तरह से डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो रफेस प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को रोकने में सहायक होता है, यानी कब्ज नहीं होने देता है, ठीक है। एंड इंश्योर्स प्रॉपर बॉयल मूवमेंट, और प्रॉपर बॉयल मूवमेंट जो होती है मतलब ब्लडिंग जो आपकी आगे जाके जो है इंटेस्टाइन में चलती है और रेक्टम तक और एनस तक पहुंचती है, ठीक है, इसमें मैं हेल्प करता है। एंड हेल्प बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये उनको उनको हटाने में मदद करता है, एंड हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर, पानी को रिटेन करवाने में मदद करता है, पानी को वापस अब्सॉर्ब करवाने में मदद करता है, एंड रिड्यूस एक्सेस ऑफ एसिडिटी, और एसिडिटी बढ़ती है तो उसको कंटेंट बढ़ा के क्वांटिटी बढ़ा के उसका इफेक्ट उसको कम करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ कारण होता है जिसकी वजह से अपने को रफेस को जो है वो इम्प्रूव करना होता है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। तो आपके यहाँ तक के पी और एफ जो है वेरी शॉर्ट आंसर है, क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्लास में जो नॉर्म आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो समझाऊंगा।